पूर्व भारतीय चीफ सिलेक्टर MSK प्रसाद का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी और युवराज की जगह लेना इतना आसान नहीं है। सौरभ गांगुली के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट ने नई ऊंचाइयां छुई, लेकिन तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद वह भी टीम इंडिया को वनडे क्रिकेट में नंबर वन पर नहीं पहुंचा सके। युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी के टीम इंडिया में आने के बाद चीजें बदलनी शुरू हुई। पूर्व भारतीय चीफ सिलेक्टर MSK प्रसाद का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की जगह लेना इतना आसान नहीं है। मध्य क्रम के ये दोनों बल्लेबाज एक दूसरे के पूरक थे, दोनों ही विपक्षियों पर आक्रमण करने के लिए जाने जाते थे। इसका परिणाम यह रहा कि भारत ने बहुत से करीबी मैच जीते। टीम इंडिया ने ICC के तीनों टूर्नामेंट्स में खिताब अपने नाम किए। महेंद्र धोनी के नेतृत्व में युवराज सिंह का सपोर्ट हर विभाग में उन्हें मिली। यही वजह है कि धोनी और युवराज के जबरदस्त क्रिकेट फैंस हैं। युवराज सिंह क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और महेंद्र सिंह भी ICC वर्ल्ड कप 2019 के बाद से कोई मैच नहीं खेले है। भारतीय क्रिकेट टीम में इन दोनों ही खिलाड़ियों की कमी खलती है और अभी तक इन दोनों खिलाड़ियों का कोई रिप्लेसमेंट टीम को नहीं मिल पाया है। इस संदर्भ में पूर्व चयनकर्ता प्रमुख MSK प्रसाद ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा, धोनी और युवराज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो इनके नक्शे कदम पर चल सके। प्रसाद ने कहा, धोनी और युवराज भारतीय क्रिकेट के लीजेंड्स हैं, मैं कोई भी दूसरा ऐसा खिलाड़ी नहीं देख सकता जो इनकी जगह ले सके, ऐसा करना कठिन है। हमारा मूल काम है नई प्रतिभाओं को तलाशना और उन्हें तैयार करना, यही हमने किया है। बता दें कि हाल ही में MSK प्रसाद ने महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर भी अपनी राय दी थी। उन्होंने कहा था कि विकेटकीपर बल्लेबाज ने टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं को कुछ समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहने की बात कही थी, लेकिन वे सब गोपनीय बातें हैं, उनका खुलासा नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।